हेलो डी स्टूडेंट्स माय सेल्फ निर्मेश प्रताप सिंह बोल फिजिक्स फैकल्टी टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ प्रेशर है ना इन लास्ट क्लास वी स्टडीड अबाउट फोर्स टाइप्स एंड फोर्स बैलेंस फोर्स एंड सो आफ्टर दैट न्यू टॉपिक इज प्रेशर ऑफ दिस चैप्टर चैप्टर इज़ वर्क प्रेशर एंड एनर्जी प्रेशर What is pressure? Pressure is a simple meaning the ratio of the ratio of the ratio of normal force, normal force per unit area, per unit. नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर इज कॉल्ड प्रेशर प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स बाय एरिया नॉर्मल फोर्स बाय एरिया अगर हम पर्स प्रेशर को डिफाइन कहते हैं इस डेफिनेशन से अगर हम फार्मूला ड्राइव कहते हैं तो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया दैट मीन्स प्रेशर इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स बाय एरिया है ना अगर हम यूनिट बनाते देखो लास्ट क्लास में लास्ट क्लास हमने बहुत क्लियरली सीखा था नॉर्मल फोर्स फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है न्यूटन न्यूटन और एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा मीटर स्क्वायर तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इज आल्सो नोन एज पास्कल पास्कल तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल डिनोटेड बाय पी ए डिनोटेड बाय पी सीजीएस यूनिट सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर इज सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डायन and area centimeter square. So, CGS unit of pressure is dyne per centimeter square. Some application related to some application related to pressure application application applications first point is हमारे स्कूल्स बैग होते हैं उनके जो स्टेप्स हैं वो काफ़ी ब्रॉड होते हैं ना वाई ऐसा क्यों स्कूल अ वाइड स्ट्रिप अ वाइड स्ट्रिप अ वाइड स्ट्रिप रिड्यूस रिड्यूस प्रेशर रिड्यूस प्रेशर वाइड स्ट्रिप्स होते हैं वो प्रेशर रिड्यूस कहते हैं कैसे देखो इस बात को हम समझ सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा हमने नॉर्मल फोर्स बाय एरिया अब स्कूल बैग है उसमें जो भी वेट होगा वेट इज आ फोर्स तो फोर्स क्या हो गया कॉन्स्टेंट अब जो स्ट्रिप्स हैं स्ट्रिप्स का जो एरिया होगा अगर एरिया सपोज दैट ज़्यादा है अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा बेटा मिनिमम अगर एरिया हम स्मॉल लेते हैं अगर एरिया कैसा कंसीडर कर रहे हैं स्मॉल, तो प्रेशर कैसा हो जाएगा लार्ज तो दैट मींस प्रेशर इज़ प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड सेकेंड पॉइंट इज प्रेशर इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया प्रेशर इज़ इनवर्स प्रोपोर्शनल अगर हम एरिया इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा अगर हम एरिया इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा इनवर्स प्रपोशन मीन्स होता है जस्ट अपोजिट एंड अगर हम फोर्स अगर हम फोर्स के केस में देखें अगर हम फोर्स को अगर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो प्रेशर भी क्या होगा इंक्रीज ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगा है ना तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ते हैं जो हमारे स्कूल्स बैग होते हैं उनके स्टेप्स हमें ब्रॉड रखने चाहिए अगर वो ब्रॉड होंगे तो हमारे शोल्डर्स पे जो प्रेशर होगा वो काफ़ी मिनिमम होगा काफ़ी मिनिमम प्रेशर होता है अब नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट जैसा सपोज दैट एप्लीकेशन में एप्लीकेशन नेक्स्ट पॉइंट इज सेकेंड पॉइंट जैसे हम किसी भी नेल को फिक्स करते हैं बॉल में तो नेल अगर पॉइंटेड शेप है है ना तो वो इजीली फिक्स हो जाएगी अगर सपोज दैट ब्लेंट नैल है तो उसके उसके इसमें उसको फिक्स करना काफी डिफिकल्ट होता है है ना तो हम क्या बोलेंगे इट इज अ मोर डिफिकल्ट इट इज अ मोर डिफिकल्ट डिफिकल्ट टू फिक्स टू फिक्स अ नेल ब्लंटनेल नेल एज कंपेयर एज कंपेयर नेल अगर कोई शार्प नेल है तो उसको फिक्स करना बहुत आसान होता है और ब्लंट नेल को फिक्स करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है जैसे सपोज दैट ये कोई हम एक कोई कार्डबोर्ड कंसीडर करते हैं है ना दिस इज़ अ कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड अब यहाँ पर सपोज दैट कोई भी हम एक नेल को कंसीडर कर रहे तो हैं ब्लंट नेल है और सेकेंड कार्डबोर्ड कंसीडर कर रहे हैं इस सेकेंड कार्डबोर्ड में हम जो नेल को फ़िक्स कर रहे हैं वो नेल कैसा है पॉइंटेड पॉइंटेड नेल है अब इस नेल को अगर हम यहां से वाई हैमर वाई हैमर अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वाई हेमर क्या अप्लाई कर रहे हैं फोर्स यहाँ पर यहाँ पर सपोज दैट ए फोर्स अप्लाई किया हमने और यहां पर भी हमने वाई हैमर जो फोर्स अप्लाई किया है वो ए फोर्स अप्लाई किया है फोर्स कॉन्स्टेंट है तो लेकिन जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो ब्लंट नेल है वो नेल फिक्स नहीं हो रहा है और जो शार्प नेल है जो पॉइंटेड शेप पॉइंटेड टिप नेल है वो इजीली फिक्स हो रहा है बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ एरिया एरिया शार्प नेल में क्या हो रहा है पॉइंटेड एरिया कै, कैसा एरिया बेटा पॉइंटेड पॉइंटेड एरिया है तो उससे क्या हो रहा है पॉइंटेड एरिया से क्या हो रहा है बेटा वो ईजिली फिक्स हो रहा है एरिया रिड्यूस है प्रेशर इज इनवर्स पोर्शनल टू एरिया एरिया अगर हम रिड्यूस करेंगे तो प्रेशर क्या होगा इंक्रीज़ तो यहां पर इस पॉइंट पर जो प्रेशर एक्ट हो रहा है वाई दिस फोर्स वो कैसा प्रेशर है वो काफ़ी लार्ज प्रेशर है क्योंकि पॉइंटेड एरिया है और इस केस में ये एरिया काफ़ी देखो बड़ा है बहुत सारे पॉइंट बन जाएंगे अगर यहाँ पर हम पॉइंट बनाए तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा बहुत कम होगा तो ये रीज़न होता है एरिया जैसी हम डिक्रीज़ कहते हैं तो प्रेशर इंक्रीज़ होता है और एरिया अगर हम इंक्रीज़ कहते हैं तो प्रेशर हमारा डिक्रीज होता है ऐसे एक और जनरल एग्जाम्पल हम कंसिडर कर सकते हैं लाइक like हमारे घर में वेजिटेबल्स होते हैं फ्रूट्स होते हैं तो हम उनको कट करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ नाइफ़ अगर नाइफ़ को हम नाइफ से हम फ्रूट्स को शार्प साइड से कट कर रहे हैं तो वो इजीली कट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ वहाँ पर वो साइड शार्प है एरिया बहुत मिनिमम है अगर हम सपोज ए नाइफ़ को जस्ट अपोजिट है हैंडल करके उसको कट कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा एरिया वो साइड थिक होता है एरिया थक होगा मतलब एरिया ज़्यादा होगा एरिया ज़्यादा होगा हम फ्रूट्स को कट करेंगे वो इजीली कट नहीं होंगे तो ये इस बात से भी ये कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं जो जनरल लाइफ में यूज़ होते हैं तो जो हमें पता होने चाहिए है ना तो प्रेशर एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है है ना अगर प्रेशर अगर एरिया अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर बाय डिफॉल्ट क्या होता है डिक्रीज़ है ना एरिया एरिया डिक्रीज़ करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज़ होता है ओके okay? अब नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जे सपोज दैट वी वॉक ऑन ऑन सेफ सॉफ्ट लैंड इज ईयर वाई विद द हेल्प ऑफ ब्रॉड शोल शू बट वी वॉक ऑन सॉफ्ट लैंड विथ हाई हील्स देन दैट केस वी कॉन्ट वॉक इजियर एज कंपेयर टू ब्रॉड शोल शू तो यहां पर भी वही सेम कंसेप्ट यूज हो रहा है ब्रॉड शोल शू के हेल्प से हम किस लैंड पर इजिली वॉक कर सकते हैं तो थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट इज ब्रॉड शोल शू ब्रॉड शोल शू जो ब्रॉड शोल शू होते हैं है ना ये हमें क्या करना एजियर बनाते हैं सॉफ्ट लैंड पर वॉक करने के लिए एक और ऐसी है ब्रॉड ट्रैक्टर टायर ब्रॉड ट्रैक्टर ट्रैक्टर टायर्स जो ट्रैक्टर्स के टायर होते हैं वो भी काफ़ी ब्रॉड होते हैं और वो ब्रॉड होते हैं इस रीजन से वो फील्ड्स पर वो फील्ड्स पर सॉफ्ट फील्ड्स पर इजीली वॉक कर सकते हैं ना बिकॉज ऑफ वी सैम सर प्रेशर इज़ इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया अब उनके ट्रैक्टर के जो टायर्स हैं वो टायर जो ट्रैक्टर के जो टायर्स हैं वो टायर्स काफ़ी ब्रॉड होते हैं तो ब्रॉड मीन्स एरिया हमने क्या किया इंक्रीज़ किया तो प्रेशर क्या हो जाएगा डिक्रीज तो प्रेशर डिग्रीज होगा होगा तो उससे क्या होगा वो जो ट्रैक्टर्स के टायर्स हैं वो फील्ड्स में इजीली फिक्स नहीं होंगे तो ये कुछ एप्लीकेशन थे रिलेटेड टू प्रेशर तो बेसिकली प्रेशर जो प्रेशर होता है बेसिकली जो प्रेशर है है ना प्रेशर में हमने क्या सीखा प्रेशर इज द रेशियो ऑफ या प्रेशर इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नॉन एज प्रेशर प्रेशर इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स वाई एरिया ऐसा यूनिट क्या था बेटा ऐसा यूनिट हमने क्या सीखा था ऐसा यूनिट होता है ऐसा यूनिट इज पास्कल ऐसा यूनिट इज पास्कल पास्कल किससे मिलकर बना होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर डिनोटेड एज ए पी ए सीजीएस किया था सी जी एस यूनिट किया था सी जी एस यूनिट इज डायन सेंटीमीटर स्क्वायर डायन सेंटीमीटर स्क्वायर है ना अगर हम इनमें सपोज दैट रिलेशन फाइंड आउट करते हैं है ना वन पासकल इज इक्वल टू वन पासकल इज इक्वल टू हाउ मैनी

टन थाउजेंड हंड्रेड इंटू हंड्रेड हंड्रेड इंटू हंड्रेड क्या होगा बेटा टेन थाउजेंड सेंटीमीटर स्क्वायर तो अब यहाँ पे वैल्यू बटअप कर लेते हैं न्यूटन के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे टेन की पावर फाइव डाइन और वन मीटर स्क्वायर के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं टेन थाउजेंड सेंटीमीटर स्क्वायर या टेन की पावर फोर सेंटीमीटर स्क्वायर तो हम यहाँ पे टेन की पावर फोर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेते हैं अब देखो यहाँ पर टेन के पास कितने जीरो है फोर यहाँ पर कितने हैं फाइव तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर कितना जीरो बचेगा वन तो इज इक्वल टू क्या हो गया टेन डायन सेंटीमीटर स्क्वायर है ना तो वन पास कल इक्वल टू या वन न्यूटन मीटर इज इक्वल टू कितना होता है टेन डायन सेंटीमीटर स्क्वायर अब अब देखो एक और बहुत अच्छी क्या हमारा जो एटमोसफेयर है ये हमारे ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है है ना डज डमोसिक प्रेशर एग्जिस्ट तो हमारा आंसर क्या होगा अब आंसर इज यस वाई कैसे हाव हमारा एटमोस्फेयर है एटमोस्फेयर में छोटे छोटे एयर्स के पार्टिकल्स हैं अब छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं उनका कुछ ना कुछ तो वेट होगा अब वो टाइनी पार्टिकल ग्रेविटी के रीजन से किस किस के, के, के साइड अट्रैक्ट होते हैं टू वर्ड्स द अर्थ सेंटर तो जो हमारे ऊपर एयर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं क्या लगा रहे हैं फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं हमारी बॉडी का कुछ एरिया है तो फोर्स पर यूनिट एरिया अगर हम बोलते हैं तो वो क्या हो जाता है प्रेशर तो दैट मींस एटमोस्ट प्रेशर एग्जिस्ट इन अवर एटमोस्फेयर ओके नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क तो नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ दिस चैप्टर वर्क वॉट इज़ वर्क आई मीन जनरल लाइफ इन जनरल लाइफ अगर हम वर्क के बारे में स्टडी करते हैं तो वर्क मीनिंग तो रीडिंग अ बुक हम क्या बोलते हैं अगर हम बुक को रीड कर रहे हैं तो बुक को रीड कर रहे हैं तो ये भी क्या है एक वर्क है है ना कुकिंग फूड ये भी क्या है वर्क है है ना लेकिन फिजिक्स में इसको वर्क कंसिडर नहीं करते इन फिजिक्स वी आर नॉट कंसिडरिंग ऑफ दिस थिंग एज अ वर्क तो फिजिक्स में वर्क किसको कंसीडर किया जाता है दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए फर्स्ट कंडीशन इज फोर्स इज एक्टेड ऑन अ बॉडी या फोर्स उड एक्टिंग ऑन अ बॉडी फोर्स एक्ट होना चाहिए बॉडी पर और सेकेंड बॉडी में डिसप्लेसमेंट होना चाहिए है ना जैसे सपोज मैं मैं, मैं बॉल को पुश कर रहा हूँ कोई बॉल है उसको पुश कर रहा हूँ अब बॉल को मैं पुश कर रहा हूँ तो बॉल तो मूव हो नहीं रही है मैं फोर्स तो अप्लाई कर रहा हूँ तो फोर्स अप्लाई करने से हुआ क्या उसने उसका तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो इन विच केस हम मेरा वर्क क्या होगा जीरो कोई जी, कोई वर्क नहीं होगा तो वर्क तभी पॉसिबल है कंडीशन ऑफ वर्क क्या होता है फोर्स इज एप्लाइडेड ऑन अ बॉडी सेकेंड डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो कंडीशन ऑफ वर्क इज कंडीशन ऑफ वर्क कंडीशन ऑफ वर्क इज डैश फर्स्ट कंडीशन इज फोर्स शुड बी अप्लाइडेड फोर्स शुड बी अप्लाइडेड ऑन बॉडी किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई होना चाहिए और सेकेंड पॉइंट होता है बेटा उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट में होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इन अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए फोर्स की डायरेक्शन में लाइक सपोज दैट एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं लाइक वी आर कंसीडरिंग अ सरफेस an object is placed on the surface like mass is M. Now, I am applying a force towards right side a force applied it on it then that case we observe that after some time that block moves from one position to another position. the displacement S. जो डिस्प्लेसमेंट हुआ एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ एस डिस्प्लेसमेंट है एस किसको को डिनोट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को एफ मीनिंग क्या एफ़ क्या है फोर्स तो यहाँ पर जो वर्क है वो किसके इक्वल होगा यहाँ पर देखो फोर्स भी अप्लाई हुआ है और फोर्स के डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से यहाँ पहुँच गई बॉडी तो यहाँ पे वर्क किसके इक्वल होता है वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ जब मेजरमेंट ऑफ वर्क हम कहते हैं मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ वर्क जब हमने वर्क को मेजर किया तो हमने क्या मेजर किया हमने क्या आइडेंटिफाई किया वर्क इज अर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिसप्लेसमेंट वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिसप्लेसमेंट वर्क किसका प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड डिसप्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है तो दैट मीन्स यहां से क्या लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट तो वर्क इज इक्वल टू वी कैन राइट अ फॉर्मूला ऑफ वर्क वर्क इज इक्वल टू फोर्स इन टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ वर्क दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ वर्क नाउ हम मूव कहते हैं किसके तरफ यूनिट हमने फॉर्मूला पढ़ लिया फार्मूला के बाद क्या आता है अपना यूनिट है ना अब यूनिट जब हम बताते हैं तो हम टू यूनिट्स पढ़ते हैं एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट अब एसआई यूनिट एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल जूल अगर फॉर्मूले से हम बनाएं तो जूल का क्या मीनिंग निकल रहा है यहां पे और करके क्या लिख सकते हैं फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन ऐसा यूनिट क्या था न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन या बिटवीन इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन शॉर्ट पाथ एक पोजिशन से दूसरे पोजिशन में जो शॉर्ट पाथ होगा वो डिस्प्लेसमेंट मतलब एक पाथ है और पाथ लेंथ को हम लेंथ को किस में मेजर करते हैं ऐसा यूनिट क्या होता है लेंथ का मीटर ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर तो इसका इसका मीटर मीनिंग होता है न्यूटन इंटू मीटर न्यूटन इंटू मीटर को हम क्या बोलते हैं जूल बेसिकली और जूल किससे डोनोट किया जाता है जे से जूल को किससे डोनोट करते हैं जे से एनसीजियस यूनिट ऑफ वर्क एंड सी जी एस यूनिट ऑफ वर्क इज अर्घ सी जी एस यूनिट क्या होता है बेटा अर्घ होता है ओके सी जी एस यूनिट क्या होता है अर्घ अब इन दोनों में रिलेशन क्या होता है जब हम इनकी रिलेशन की बात कहते हैं तो दोनों में क्या रिलेशन है बहुत सिंपल रिलेशन है वन जूल इज इक्वल टू रिलेशन बिटवीन मैं क्या बता रहा हूँ आपको रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग जूल एंड अर्ग जूल एंड अर्ग में क्या रिलेशन होता है इस बात को देखते हैं देखो वन जूल इज इक्वल टू क्या रिलेशन होता है वन जूल इज इक्वल टू टेन की पावर सेवन अर्ग एक जूल में कितने अर्ग होते हैं टेन की पावर सेवन अर्ग वन जूल इज इक्वल टू टेन की पावर सेवन अर्ग इसको भी देखो कैलकुलेट कर सकते हैं जूल का क्या मीनिंग था जूल का मीनिंग था न्यूटन इंटू मीटर अच्छा अर् का अगर हम मीनिंग लिखें अगर हम सी यूनिट लिखते हैं फोर्स की फोर्स की सी यूनिट हमने क्या पढ़ी है डायन और लिखना है डायन एंड डिस्प्लेसमेंट की सी यूनिट लेंथ की सी यूनिट सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो जूल का मीनिंग होता है न्यूटन इंटू मीटर और अद को, को और क्या बोलते हैं डाइन इंटू सेंटीमीटर अगर यहां से अगर हम रिलेशन बताएं ये रिलेशन कैसे आया अगर इस बात को हम फाइंड आउट करें तो देखो कितने आसानी समझा समझा जा सकता है वन जूल इज इक्वल टू वन जूल वन जूल इज इक्वल टू वन न्यूटन वन न्यूटन इंटू वन मीटर वन न्यूटन इंटू वन मीटर और वन न्यूटन इज नॉन एज टेन की पावर फाइव डाइन अभी बताया आज ही बताया मैंने टेन की पावर फाइव डाइन ऑन वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर हंड्रेड 10 की पावर टू सेंटीमीटर तो टेन की पावर फाइव और टेन की पावर टू बेस से हमें तो पावर ऐड करेंगे तो अगर हमने पावर ऐड किया तो वन जूल इज इक्वल टू हमें क्या मिला वन जूल इज इक्वल टू टेन की पावर फाइव प्लस टू सेवन सेवन डाइन सेंटीमीटर और डाइन सेंटीमीटर इज नॉन एज अर्ग डाइन सेंटीमीटर को हम क्या बोलते हैं अर्ग तो वन जूल इज इक्वल टू देखो रिलेशन आ गया वन जूल इज इक्वल टू टेन की पावर सेवन अर्ग ओके इज इट क्लियर बेटा आई होप आपको क्लियर होगा है ना इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट एनर्जी आज के लिए इतना ही थैंक यू ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर